हाय गाइस, वेलकम माय न्यू वीडियो। और मैं आ चुका हूँ हरिद्वार। और हरिद्वार आने से पहले मेरे मन में बहुत सारे डर थे कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन कह रहे थे कोविड टेस्ट मांग रहे हैं, ये है वो है, पर ऐसा कुछ नहीं था ज़्यादा। मैंने कोरोना टेस्ट करवा लिया था और यहाँ पे आया मैं। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे गाड़ी नहीं रुकती है, जिसको कुंभ में जाना है उसे थोड़ा सा पहले हरिद्वार से पहले ज्वालापुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे उतार देते हैं और वहाँ से सरकारी बसें हैं वो बस में बिठा के फिर यहाँ हरिद्वार के एरिया में ला के छोड़ देते हैं। वहाँ से आप पैदल जाओ घाट तक और स्नान करो। तो आपको मैं दिखाता हूँ, मैं अभी पैदल जा रहा हूँ घाट की तरफ स्नान करने के लिए और सुबह के 6 बजे हैं अभी, तो आपको दिखाते हैं नज़ारा। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत हवा मचा रखा था सब में, बहुत भीड़ है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देख लो पीछे बिल्कुल खाली पड़ा है, ये सामने देख लो आप, पब्लिक दिख रही है आपको, बिल्कुल ही खाली पड़ा है सब, बहुत कम आदमी है यहाँ, देख सकते हो आप। 14 अप्रैल है, संक्रांति का स्नान, खाली पड़ा है बिल्कुल, खाली पड़ा है बिल्कुल घाट, देख लो आप। 14 अप्रैल संक्रांति का स्नान, देख लो भाई, 14 अप्रैल का शाही स्नान है आज, और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, डर की वजह से बहुत लोग नहीं आए। देख लो पीछे गंगा मैया बह रही है। और आप अभी मैं आपको हड़के पौड़ी का नज़ारा दिखाता हूँ। सामने हड़के पौड़ी है, घंटाघर दिख रहा होगा आपको, वहीं ले चलते हैं आपको अभी। यह भाई हरकी पौड़ी देख लो आप, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, खाली पड़ा है बिल्कुल। आज मकर संक्रांति स्नान है, 14 अप्रैल दूसरा शाही स्नान, तो देख लो आप, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है घाट पे। वैसे ही हुआ मचा रखा था इन सब ने, देख लिया आपने, बिल्कुल खाली पड़ा हरकी पौड़ी।